मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले गुना इस गांव के कई दलित किसानों की जमीन वहां के सरकार के पूंजीपति लोग, स्थानीय पुलिस प्रशासन आदि मिलकर धड़ल्ले से पुरजोर अवैध तरीके से हथिया रहे हैं, जिससे कई दलित किसान डरे और सहमे हैं। केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दे और उन्हें न्याय दे आदि मांगों को लेकर नागपुर के संविधान चौक पर जातियंतर संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन किया गया। इन दिनों मध्य प्रदेश के जो दलित किसान हैं उनके साथ में कुछ इस तरह से पेश आ रही है कि जिसके चलते मध्य प्रदेश के किसानों का जीना हराम हो चुका है। अब तक के कई किसानों ने मौत को गले लगाने की कोशिश भी की है। मध्य प्रदेश के गुना इस गांव में दलित किसान बड़ी संख्या में खेती का काम करते हैं, तो कई ऐसे दलित किसान हैं जो वहां के खेती मालिक भी है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे पूंजीपति है जो पैसे के बदौलत इन गरीब दलित किसानों की जमीन निगलने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। और मजे की बात तो यह है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन भी उन्हें बहुत साथ दे रहा है। कई गुंडे भी इसके लिए लगाए गए हैं, जिसके चलते इन गरीब किसानों को वहां से खदेड़ने की कोशिश जारी है, जिसके चलते किसानों के आगे जीना तो जीना कैसे, ये सवाल अब भी बना हुआ है। लेकिन अफसोस कि मध्य प्रदेश सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब तक के इन किसानों को कोई भी न्याय नहीं मिला है। इस बात की जानकारी नागपुर में आते ही नागपुर के जातियंत संघर्ष समिति की ओर से नागपुर के संविधान चौक पे एक आंदोलन किया गया, जिसके चलते मध्य प्रदेश सरकार को ये चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द से जल्द इन दलित किसानों को न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा और कानून का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। इस घटना को लेकर जब हमने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव अरुण लाटकर इनसे बात की तो अरुण लाटकर इन्होंने फोनों के जरिए जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी फोनों पर। दर्शकों, इस समय में हमारे साथ में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नागपुर जिला सेक्रेटरी अरुण लाटकर जुड़ चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे, लाटकर साहब ये बताए कि क्या आज ये जो आंदोलन किया गया है संविधान चौक पे, ये करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये करने के पीछे का उद्देश्य है कि दलितों के ऊपर और आदिवासियों के ऊपर ये अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है, जिसके अंदर खास तौर पर जहाँ पे जमींदार के गुंडे हैं वो जमींदार के गुंडे, और जहाँ जमींदार के गुंडे नहीं है वहाँ पे उद्योगपति, पूंजीपति और राज्य सत्ता की ओर से पुलिस लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं, और इसका हमने आज निषेध किया है। आपका सीधा सीधा क्या कहना है? हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि दलित आदिवासियों को जो जमीन वो लोग जोत रहे थे अभी तक के, उसमें यहाँ की जो घटना हुई अभी, ये जो गुना की घटना है, वो क्या बोल रहा था कि हमको वो जो उपज आई है वो उपज निकल जान दे, उसके बाद हम जमीन खाली करके देते, तो उसको मारना पीटना चालू किया इतनी हद तक के कि यानी एक आधा क्या बोलते हैं दुश्मन के साथ में भी इतनी मारपीट नहीं करता, इतनी मारपीट पुलिस ने उसके साथ किया है। तो ये जो है ये पुलिस या अत्याचारों का एक नमूना आपके सामने आ रहा है, लेकिन इसके पीछे केवल पुलिस नहीं है, इसके पीछे राज सत्ता है जो जमींदार पूंजीपतियों की पैरवी करती है। ये कहाँ की घटना है सर? ये गुना में जमनापुर करके एक गाँव है, वहां की ये घटना है, पर इसके साथ ही एमपी के अंदर में और खासतौर पर हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर में ये घटनाएं ज्यादा पैमाने पर बढ़ रही है। यदि सरकार ने आपकी मांगों को पूरा नहीं किया तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? हमको आंदोलन और जारी रखना पड़ेगा। ये सरकारें जो है ये दलित आदिवासियों की जमीनें छीनकर वो पूंजीपति और कॉरपोरेट के हवाले करना चाहती है, और ये लड़ाई जो है ये लड़ाई सरकार के खिलाफ भी रहेंगी, ये पुलिस अत्याचार के खिलाफ भी रहेंगी, और ये समझ जाओ हमारे अकेले पार्टी की तरफ से नहीं जमा तो हम लोग एक यूनाइटेड फोरम गठित करके ये लड़ाई लड़ेंगे। तो आप थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव अरुण लाटकर, जिन्होंने बखूबी और बेबाकी के साथ बात करते हुए ये कहा है कि किस तरह से जमीन जो है वो छीनने का प्रयास सरकार की ओर से की जा रही है, पुलिस प्रशासन उनका साथ दे रही है, पूंजीपतियों को ये जमीन बेचने का ये षड्यंत्र हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में और भी आंदोलन को तेज किया जाएगा, इस प्रकार की बात अरुण लाटकर इन्होंने की है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण लाटकर साहब। धन्यवाद धन्यवाद। नागपुर में सुबह से ही काले बादल आसमान में छाए हुए थे। मौसम अपने मिजाज में था कि अचानक हुई तेज धुआंधार बारिश ने सबको झकझोर के रख दिया।
हाईवे पर वाहन चलाना एक टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। शहर में हुई धुआंधार बारिश से कई बस्तियां जलमय हो गई थी, जिससे जनजीवन काफी समय तक प्रभावित रहा।